सत श्री अकाल, वेलकम टू ग्लोबल ट्रीवो। मैं जतेंद्र सिंह। आइटनरी शेंगन वीज़ा विच बहुत इंपॉर्टेंट होंगी है। जे थोड़ी सही तरीके आइटनरी बनी हुए तो वीज़ा अफसर तुहानू वीज़ा दे सकदा जे थोड़ी प्रोफाइल वधिया है। वधिया आइटनरी, वधिया कवर लैटर तुहाडा वीज़ा 100% नहीं करवा सकते जिन्ना चिर तुहाडी प्रोफाइल वधिया नहीं हैगी, क्योंकि ये गल कोई नहीं दसदा कि वीज़ा प्रोफाइल नू मिलदा। सब जने यही कही जांदे आ कि कवर लैटर ते वीज़ा मिलदा, आइटनरी ते वीज़ा मिलदा। ये बड़ी गलत गल हुंदी है, क्योंकि कईयां नू ये लगदा कि वधिया कवर लैटर लिख दिता जाएगा, वधिया आइटनरी बन जाएगी, वीज़ा आ जाएगा। एवें नहीं हुंदा। तुहाडा परपस जो है ट्रैवल दा, वह शो करदा है तुहाडा कवर लैटर ते आइटनरी। बट जे तुहाडी प्रोफाइल वधिया नहीं तां वीज़ा भी नहीं। वीज़ा तो ही मिलना जे प्रोफाइल वधिया होएगी। इस करके जे तुहाडी कवर लैटर आइटनरी वधिया है, वे प्रोफाइल वधिया है, तो वीज़ा मिल जाना है। तो एक गल होर याद रखियो, प्रोफाइल वधिया बट आइटनरी ते कवर लैटर बिल्कुल बेकार, तो वीज़ा फिर भी नहीं मिलना, क्योंकि तुहाडा परपस जिहड़ा वो क्लीयर नहीं होना। तो वधिया प्रोफाइल है तो रिस्क ना लवो, जिन्ना चिर वधिया कवर लैटर ते वधिया आइटनरी तुसीं नहीं बना सकते। जे कवर लैटर वधिया लिख सकते हो, वधिया आइटनरी लिख सकते हो, दैन वीज़ा अप्लाई कर लो। जे नहीं ये कर सकते तो किसी की हैल्प ले लो। कवर लैटर वधिया लिख लो, वधिया आइटनरी बना लो, दैन तुहानू वीज़ा मिल सकता है। हुण आइटनरी वधिया की हुंदी है? आइटनरी वधिया काफ़ी नू ये लगता है कि उहदे विच वधिया वधिया फोटोज़ लगिया हुई ने ते आइटनरी वधिया है। ये गल भी नहीं हैगी, क्योंकि असी काउंसलिंग दे टाइम दे चीज़ां बड़ियां वेखियां ने। क्लाइंट नूं लगता है कि इत्थे फोटोज़ बड़ी सोहनी सोहनी लगी ने, आइटनरी वधिया नहीं। आइटनरी है कि तुहाडा डे बाय डे जो प्लान दिता होया कि वह प्रैक्टिकल पॉसीबल है या नहीं। क्योंकि कई बार आइटनरी एवें दियां भी हुंदियां ने। एक रिसेंट च मैं आइटनरी किसी की देखी सी, उन्होंने शायद आप बनाई सी या किसी कंसल्टेंट ने दिती सी, आई डोंट नो। बट उहदे विच गलती की सी कि 6 दिन उहदा ज्यूरिक च ही प्लान दिखाया गया सी, होर किते नहीं सीगा। तो ज्यूरिक तो उन्होंने ट्रैवल कराया जा रहा है इंटरलेकन, एक दिन के इंटरलेकन जा रहा, उतों वापस आ रहा है। तो मतलब इंटरलेकन घूमेगा किस टाइम? सवेरे जाएगा, 3.5 घंटे का ट्रैवल करेगा, इंटरलेकन पहुँचेगा, इंटरलेकन घूमेगा, फिर 3.5 घंटे का ट्रैवल करेगा, फिर वो ज्यूरिक आएगा। पर इंटरलेकन होटल क्यों नहीं बुक होया? एवें दी मिसटेक्स जदों हुंदियां ने उत्थे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता। प्रोफाइल वधिया सीगी बट गलती इत्थे ए हो गई, उस केस से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। एवें दी गलती ना होए, आइटनरी तुहाडी सही बनी होए। आइटनरी दा मतलब इक्को है, उत्थे वर्डिंग कोई भी हो सकती है, फोटोज़ लगियां ने या नहीं लगियां कोई मैटर नहीं करता। तुसीं टेबल विच आइटनरी बनाई है, तुसीं उहनू ग्राफ दे विच बना के दिता है, या फोटोज़ लाइया ने, ये सब चल जाणगियां। बट उत्थे जो डे बाई डे ट्रैवल प्लान दिखाया गया वह प्रैक्टिकली पॉसीबल भी होना चाहिए। जे तुसी कोई भी विजिट दिखा रहे हो, वो विजिट कितनी दूर है, कि उत्थे ट्रैवल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। जे किया जा सकता है फिर उत्थे ठीक है, नहीं किया जा सकता उस जगह पर ट्रैवल किया हुआ विखाया जा रहा है तो तुहाडा वीज़ा फिर रिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि वीज़ा अफसर नूं पता लग जाना कि ये आइटनरी तुसी आप नहीं बनाई, या बनाई है तो तुसी उंज ही बना के लाती है, तुहानूं पता ही नहीं है कि असल दे विच पॉसीबल है या नहीं। वीज़ा ऑफिसर उत्थे जो तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल पा देगा, उहदा रीज़न आ जाना कि तुहाडा परपस ऑफ ट्रैवल जिहड़ा क्लीयर नहीं हैगा, या फिर वो कई बार वीज़ा ऑफिसर सही चीज़ लिखता भी नहीं। उन्होंने टिक जिहड़े हुंदे ने वो नॉर्मल 10, 11, 12, 13 इन्हां नंबर दे विचों ही किते ला दिंदे आ, बट एग्जैक्टली शेंगन दे विच नहीं दस्या जांदा कि तुहाडा रीज़न की है, किस रीज़न तो तुहानूं वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है। ये चीज़ कोई भी वीज़ा अफसर शेंगन का नहीं दसदा, इस करके एवें दे रीज़न तो तुहाडा रिफ्यूज़ल आ सकता है, बट जरूरी नहीं वीज़ा अफसर तुहानू दसे। फॉर एग्जाम्पल, तुसीं स्विट्जरलैंड की फाइल ला रहे हो, इंटरलेकन दे विच घूमण जा रहे हो, तो इंटरलेकन दे विच अपना स्टे दिखाओ। इंटरलेकन तो ग्रिंडलवर्ल्ड जो है वह बिल्कुल नेड़े है, तुसीं 1/2 घंटे की ट्रेन लैके ग्रिंडलवर्ल्ड जा सकते हो, ग्रिंडलवर्ल्ड घूम के वापस शाम को इंटरलेकन आ सकते हो। ये प्रैक्टिकली पॉसीबल है, तुसी इंटरलेकन के नाल ग्रिंडलवर्ल्ड दिखा रहे हो, बिल्कुल पॉसीबल है, क्योंकि 1/2 घंटे की ट्रेन है।
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਲੇਕਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿੰਡਰਵਾਲਡ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਈਟਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ, ਆਈਟਨਰੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਨਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੋਟੋਜ਼ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਨਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਈਟਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।